तो दोस्तों आज हम देखेंगे द ग्रेट खली और महाबली अब्दुल पठान के बीच में कौन जीतता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, अब्दुल पठान एक भारत के जाने माने बॉडी बिल्डर है। दोस्तों इनके ताकत के प्रदर्शन के वजह से ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने अकेले ट्रैक्टर को रस्सी बांध कर खींचा हुआ है, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज को खींचा हुआ है और ऐसे कई सारे कारनामे किए हैं और ये काफी बार न्यूज में भी दिख चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब्दुल पठान ने बॉडी बिल्डिंग में भी नाम कमाया है और दोस्तों अब ये बनना चाहते हैं द ग्रेट खली जैसे एक रेसलर। तो दोस्तों हाल ही में अब्दुल पठान ने द ग्रेट खली की रेसलिंग एकेडमी CWE ज्वाइन की है और यहाँ पर दोस्तों आते ही द ग्रेट खली और अब्दुल पठान के बीच में एक चैलेंज हुई, जहाँ पे इन दोनों को एक हाथ से सिलेंडर इस तरह से उठाना था। दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों धुरंधरों की तो दोनों भी ताकतवान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस चैलेंज में कौन जीतता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक हाथ से सिलेंडर उठाने के चैलेंज में द ग्रेट खली जीत गए हैं। लेकिन दोस्तों ये चैलेंज इतना भी कोई सीरियस नहीं था, ये बस एक फन चैलेंज था। यहाँ पे दोस्तों अब्दुल पठान की हार तो हो गई है, लेकिन दोस्तों ये भी कोई कम नहीं है। इन सब चीजों में अब्दुल पठान भी बहुत माहिर है, इन्होंने इसके पहले भी ऐसे कई सारे कारनामे किए हैं और लोगों का दिल जीता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या अब्दुल पठान प्रो रेसलिंग में भी सबका दिल जीत पाएंगे? खैर ये तो उनका CW का आने वाला सफर ही बता देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब्दुल पठान जी को हमारी तरफ से भी काफी सारे शुभकामनाएं ताकि वो एक अच्छे प्रो रेसलर बन सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।